हाय स्माइल ग्रीटिंग्स मैं स्माइलर सुरेश यादव आज हम स्माइल मेडिटेशन की चर्चा करने जा रहे हैं स्माइल मेडिटेशन के ऊपर चर्चा करने के पहले हमें स्माइल क्या है इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं स्माइल स्माइल यानी आनंद की भावना स्माइल ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है बेसिक इंस्टिंक्ट किसको बोलते हैं कि जो क्रिया बिना सीखे सिखाए अपने आप हो जाती है हमारे अंदर उसका ज्ञान पहले से मौजूद है तो ये स्माइल को हम बोल रहे हैं कि स्माइल इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट ये हमारी मूल चेतना है फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है जो बिना सीखे सिखाए हमारे अंदर मौजूद है और हम वो उसको एक्सप्रेस करते हैं स्माइल को एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमें ये भी मालूम है मेडिकल साइंस ने वेरीफ़ाई किया है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वो गर्भ में वो स्माइल के साथ होता है उसकी फ्रिक्वेंसी स्माइल की रहती है आनंद की भावना उसके साथ रहती है इसलिए हम बोलते हैं कि स्माइल इज़ अ बेसिक इंस्टिक्ट उसे सिखाया नहीं जाता स्माइल करने और वो अपने आप अप स्माइल करते रहता है हम देखते हैं कि नवजात शिशु माँ के गर्भ से जब बाहर आता है हम देखते हैं नवजात शिशु को किसने स्माइल सिखाया नहीं है और वो स्माइल करते रहता है वो नींद में भी स्माइल करता है हम हमारी मराठी में बोलते हैं कि उसे तला देव हंसव तो है वो नींद में रहता है तो हम बोलते हैं कि उसे भगवान हंसा रहा है भगवान उसे स्माइल करवा रहा है तो स्माइल उसके साथ है कोई सिखा नहीं रहा है ये स्माइल इसलिए हम बोलते हैं कि स्माइल बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी मूल चेतना है और हम ये भी देखते हैं कि स्माइल ये सीखने की प्रक्रिया की पहली कड़ी है फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग हम इस दुनिया में जब आते हैं तो जब सीखना शुरू हो जाता है तो स्माइल पहले हमें सिखाया जाता है लोग भी स्माइल सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे अंदर है और सीखने की प्रक्रिया जब कोई हमें मिलने आता है वो बच्चे को जो मिलने जाता है वो उसको गाल को उसको गुदगुदी टिंगलिंग करता है और बच्चा उसे क्या करता है उसे प्रतिसाद उसको रिस्पॉन्ड करता है हंसने से देखिए तो ये बच्चा जानता है वो नवजात शिशु भी जानता है ये मेरे से क्या करवा रहा है ये क्या अपेक्षा कर रहा है मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये स्माइल एक्सपेक्ट कर रहा है तो बच्चा भी क्या करता है उस वक्त रिस्पॉन्ड करता है स्माइल से यानी वो बच्चा लैंग्वेज समझ सकता है हम लोग लैंग्वेज समझने की जो प्रक्रिया है कम्युनिकेशन का जो जो लैंग्वेज है तो हमारी पहली लैंग्वेज है स्माइल कम्युनिकेशन की पहली लैंग्वेज स्माइल है इसके लिए बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है हम भी उसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं तो उसको हंसा के उसको स्माइल करके उसे कम्युनिकेट करते हैं तो स्माइल इज़ अ बेसिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है हमारी ये स्माइल हम लोग देख रहे हैं कि इस दुनिया के पशु पक्षी से लेकर सभी जगह स्माइल आनंद की भावना प्रेजेंट है आनंद सभी जगह है सभी लोग अपने आनंद में झूम रहे हैं या वो पशु पक्षी हो या नदी नाले झरने हो सभी जगह से आनंद की भावना उमड़ रही है बाहर आ रही है सभी लोग आनंद के साथ हैं, स्माइल के साथ हैं, स्माइल का कम्युनिकेशन चालू है सभी जगह स्माइल का आदान प्रदान चालू है तो ये आनंद की भावना का आदान प्रदान चालू है तो ये पूरी दुनिया स्माइल के साथ है आनंद के साथ है दे रही है आनंद ले रही है आनंद स्माइल ले रही है स्माइल दे रहे हम तो ये स्माइल आती कहाँ से है इस दुनिया में ये स्माइल आई कहाँ से है तो देखिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं कि जब किसी बात का अचीवमेंट होता है हमें यश प्राप्ति होती है सफलता मिलती है सक्सेस मिलता है तो स्माइल आता है आनंद की भावना आती है और अगर हम उस परम शक्ति को मानते हैं उस परम ऊर्जा को मानते हैं क्रिएटर बोलते हैं अल्लाह ईश्वर भगवान जो भी है एक परम ऊर्जा एक परम शक्ति है, कॉस्मिक पावर है उसने ये सब निर्माण किया दैट क्रिएटर तो क्रिएटर जो है उसने इस दुनिया को इस तरह से बनाया अचीव किया कुछ सफल हुआ वो सक्सेस हुआ इस तब उसकी इमोशन क्या हुई होगी इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद वो तो स्माइली ही हुआ होगा और उसकी जो क्रिएशन उसका जो पर्पज़ है आनंद का वो तो चालू रहा बाद में दुनिया चलती रही है अभी भी दुनिया चल रही है आनंद के साथ तो अभी भी उसका जो आनंद वो तो आनंदित हुआ होगा और वो आनंद कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंटली चालू है उसको ही हम परम आनंद बोलते हैं तो भगवान जो है वो अल्लाह ईश्वर ताओ जो भी है वो परम आनंद भी है परम आनंद ये परम आनंद और उसकी हम लोग उसकी संतान है ये दुनिया उसका क्रिएटर है और हम मेडिकल साइंस और हमारी साइंस भी बोलते हैं जीनेटिक्स तो जीनेटिकली हमारे अंदर वो आनंद आ ही गया है क्योंकि हमारा माए बाप हमारा क्रिएटर कौन है परम आनंद है और उसके हम अगर संतान हैं तो हमारे अंदर वो आनंद वो स्माइल हमारे अंदर है इसके लिए हम बोल रहे हैं कि स्माइल इस बेसिक इंस्टिंक्ट मूल चेतना मूल कॉन्शियसनेस फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है स्माइल तो ये स्माइल हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है मूल चेतना है मूल कॉन्शियसनेस फंडामेंटल कॉन्शियसनेस ये स्माइल है और इस स्माइल के साथ अगर हम रहते हैं बार बार उस स्माइल में हम रहते हैं परसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली तो उसे ही हम मेडिटेशन बोलेंगे तो देखिए मेडिटेशन करने के लिए स्माइल मेडिटेशन हम जो बात कर रहे हैं ये कितनी आसान प्रक्रिया है क्या करना है हमें सिर्फ सिर्फ उस स्माइल के साथ रहना है तो इसके लिए हम स्माइल मेडिटेशन बोलेंगे और अगर हम मेडिटेशन भी कौन से भी प्रकार का मेडिटेशन भी करते हो तो आपको क्या करना है उस मेडिटेशन के साथ सिर्फ स्माइल को जुड़ना है तो हो गया स्माइल मेडिटेशन तो इस तरह से स्माइल मेडिटेशन एक आसान प्रक्रिया है कोई भी कर सकता है एक तो आपको स्माइल के साथ रहना है या तो स्माइल के ऊपर आपको मेडिटेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन करना है स्माइल में रहना है या आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके साथ स्माइल को जुड़ना है तो ये स्माइल मेडिटेशन ये प्रक्रिया है बहुत आसान प्रक्रिया है इसे आपको जो चाहे आपके अस्तित्व के लिए जो चाहे वो आप ले सकते हैं और इसका एविडेंस है कि माँ के गर्भ में हम स्माइल के साथ रहते हैं और वहाँ बिना हलचल किए बिना कुछ किए सब कुछ हमें प्राप्त होता है हमारे अस्तित्व के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उधर प्राप्त होती है इसका मतलब है कि स्माइल की फ्रीक्वेंसी के साथ आप रहते हो तो आपको आपके अस्तित्व के लिए जो चाहिए वो सभी बातें होती है इनवर्स विल टेक केयर बिकॉज यू आर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ स्माइल यू आर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ परमात्मा परम आनंद तो इससे तो अपने को यही करना है इसको ही हम स्माइल मेडिटेशन बोलते हैं तो आप अगर करते जो भी कर रहे हैं तो इसको स्माइल के साथ जोड़ना एंड बी विथ ब्लिसफुल लाइफ यही स्माइल मेडिटेशन